नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सत्य अग्नि न्यूज चैनल स्टूडियो। यूपी में अब वाहनों पर जातिवादी शब्दों को लिखवाने वालों की खैर नहीं, सीज कर दिए जाएंगे वाहन। उत्तर प्रदेश में अब वाहनों पर जातिवाद शब्दों को लिखवाने वालों की खैर नहीं है। भौकाल दिखाने वालों पर अब प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का हंटर चलेगा। किसी भी वाहन पर जातिवादी शब्द मिले तो उनको सीज कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में कार के साथ बाइक, बस, ट्रक, ट्रैक्टर और यहां तक कि ई रिक्शा पर भी राजपूत, ब्राह्मण, यादव, जाट, क्षत्रिय समेत तमाम जाति सूचक शब्द दिखते हैं। तो इसको देखने के बाद महाराष्ट्र के शिक्षक हर्षल प्रभु ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। IGRS पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में दौड़ते इस प्रकार के जातिवादी वाहनों को सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बताया था। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी। पीएम ऑफिस से पत्र आने के बाद अपर परिवहन आयुक्त ने जाति लिखे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने और उन्हें जब्त करने का आदेश दिया है। अब वाहनों पर जाति सूचक शब्द होने पर धारा 177 में चालान या सीज करने की कार्यवाही होगी। इसका आदेश अभी RTO ऑफिस को दिया गया है।